राजधानी दिल्ली की हवा में दिन प्रतिदिन जहर घुलता जा रहा है। लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर दिखने लगा है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बीते कुछ दिनों से बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है और इसका फिलहाल कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदूषण और स्मोक की वजह से स्थानीय लोगों को आंखों की परेशानी भी शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा स्मोक है सर। आज मैं डेली सुबह रनिंग करता हूँ यहाँ से, बट आज मैं पहले के प्रति देखूँ तो आज बहुत ज़्यादा स्मोक है यहाँ पर, और जो रनिंग करने में प्रॉब्लम तो हो ही रही है, जैसे लग रहा है कि धूल एकदम मुँह के अंदर जा रही है और ठीक नहीं है सेहत के लिए, लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है ये। जैसा कि जो जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनको दमा अस्थमा है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये। हम लोग चले युवा हैं, मैनेज कर लेंगे, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है वो मैनेज नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को। तो ये हम देख रहे हैं आपकी लाल हो रही है, तो क्या कहें? हाँ, इसी वजह से ही हो रही है सर। जैसा कि स्मॉग देखने को मिल रहा है यहाँ पर, रनिंग कर रहे हैं, सारा स्मॉग आँखों में जा रहा है, मुँह में जा रहा है, तो वो हवा फ्रेश नहीं है दिल्ली की। इससे पहले भी मैंने देखा था दिल्ली में कि आए दिन ऐसा होता रहता है। मुझे दिल्ली में रहते रहते 3 साल हो गए, बट आए दिन देखता हूँ मैं ऐसा होता है। मैं तो साइकिल पे आ रहा था, इसमें क्या है, आँख लाल हो जाते हैं और ऐसे अजीब सा लगता है, जैसे कभी कभार लगता है कि सर भर चक्कर सा आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे। और दूसरी बात है, ये पोल्यूशन इतना हो रहा है, ये गाड़ी वाले ऐसे करता है हमारे साथ, तो बहुत बड़े बदतमीजी से पेश आते हैं गाड़ी वाले, ऐसा करते हैं कि साइकिल वाले तो गाड़ी वाले से ज़्यादा स्कूटी वाले और ज़्यादा वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात है पोल्यूशन के वजह से जो है, हम जैसे पहले, जैसे हम दिल्ली में बहुत दिन से हैं, पहले जैसे हम सुबह होते थे बहुत अच्छा सा लगता था, बहुत अच्छा लगते थे, अब क्या है जैसे सांस लेना भी तकलीफ हो रहा है, घर के अंदर भी बहुत बहुत बेकार हो रहा है जैसे।